तक पांच अध्याय 16 से 25 तक सुनिए, हम पढ़ रहे हैं। यहां ऐसा लिखता है, और मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, बढ़ती पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कई काम है, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, जैसा पहले भी कह चुका था कि ऐसे ऐसे काम करने वाले ईश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत उस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ें और न एक दूसरे से डा करें। आइए परमेश्वर का वचन पढ़ाए सुनाए तो प्रभु आशीष से प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर का आपका वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी वचन आपने हम लोग आगे रखा है, वचन का रहस्य बोलने के लिए तो आप शक्ति देना, मेरा होठों को छूना, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन स्वयं पवित्र आत्मा आप होकर बोलना, और सुनने वाला का है क्या हृदय को तू निकाल करना, समझने शक्ति देना, महिमा को लेना, ये वचन हम लोग अपना जीवन लागू कर सके ईश्वर के नाम में, आमीन। गलातियों का पुस्तक जब हम लोग पढ़ते हैं, एक बात को याद करना होगा, गलातियों जब पॉल को बंदी बना के रखा हुआ था एक जगह में, प्रचारक था, उसको बंदी बना के उस जगह में रखा था। उस समय के यहूदी लोग और रोमी लोग जो लोग थे, कि लगभग 6वीं शताब्दी का है उस समय का कहानी है, और उसने वही बैठते समय भी बोलता आनंदित रहना, क्योंकि छठवा का शरीर है, मर जाना तो अभी मरे या कल मरे, मरना तो है ये। अभी बोलता ना, कल एक माँ के साथ हम बातचीत कर रहे थे, माँ आप तो 70 साल की हो गए, कोरोना का इंजेक्शन लगाया, बोलती कोरोना का इंजेक्शन लगा के मरने से अच्छा ऐसे मरता है, दर्द होता है ज्यादा। मेरा कहने का मतलब जैसे भी मरना ही है लोग सोच लेता है, लेकिन 2 दिन का जिंदगी अच्छा से जिए, चाहे नमक पात खाए, शांति के साथ जीवन जिए। पॉल यही बोलता है कि आनंद के साथ जीवन जीना। गलातियों का पत्र में आप और हम क्या पाते कि विश्वासी लोग व्यवस्था से नहीं वरन विश्वास के द्वारा ही बचाए जाते हैं बोलता है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यह करोगे तो वो मिलेगा, वो करोगे तो ये मिलेगा। व्यवस्था यह कहता है तुमको कुछ करना है तो ये करना है तभी तुमको वो मिलेगा। लेकिन गलाती का पुस्तक हम लोग बताता है स्वतंत्र होने के लिए विश्वास करना है, कुछ देने की जरूरत नहीं। आप मुझे विश्वास किसके ऊपर में? ईश्वर के ऊपर में, यीशु के ऊपर में विश्वास करना है। 1 का 1 में क्या 5 का 1 में क्या होता? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थित रहे और दासता का जो में फिर से ना दास बनने के लिए नहीं, स्वतंत्र होने के लिए ईश्वर ने आप और मुझे बुलाया। तो गलाती का पुस्तक जब आप हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, स्वतंत्र कौन चीज से? आपको यहाँ नीचे बोलता है 5 का 16 पद पढ़िए, 5 का 16 पद क्या बोलता? और मैं कहता हूँ निकला ठीक तो पढ़िए, और मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसाओं किसी नीति से पूरी ना करो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। सुनिए, शरीर किस प्रकार लालसा करता है आपको यहाँ बताया हुआ, लेकिन आत्मा के अनुसार चलना हमें चाहिए। 17 पद बता, शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे में विरोधी है, हम जो करने चाहते हैं वो कर नहीं सकते। सुनिएगा, हम लगातार जा रहे हैं, आत्मा शरीर का विरोध में। आज हम लोग
बोल रहे हैं, आत्मा जो करने चाहता शरीर नहीं देता, शरीर जो करने चाहता आत्मा नहीं देता है, लेकिन हमें अपना जीवन को संचालन करने पवित्र आत्मा को देना होगा। जब पवित्र आत्मा आप और मेरा जीवन का संचालन करेंगे, वो ऐसा है छोटा बच्चा को हाथ पकड़ के हम लोग चलने सिखाएंगे ना, चलने सीखेगा, वैसा ही आप और मेरा जीवन को पवित्र आत्मा को देना होगा, वो आप और मुझे चलाएगा। लेकिन एक बात, उदाहरण छोटा बच्चे का जैसा नहीं होता, आत्मा आप और मेरा भीतरी मनुष्यों को पकड़ेगा, बाहर हम लोग नहीं देखते, भीतरी मनुष्यों को पकड़ेगा और वो आप और मुझे आत्मा में चलने सिखाएगा, विश्वास में रहने सिखाएगा, शांति में जीवन जीने के लिए सिखाएगा आत्मा। और दूसरी बात, जब पवित्र आत्मा आप और मुझे चलने के लिए सिखाने में आरंभ करता है, उस समय आप और मुझे एक बात याद करना पड़ता, जब आप पवित्र आत्मा के साथ मिलकर चलने का विचार करेंगे तो आप पीछे लौट कर जा ही नहीं सकते, या पवित्र आत्मा को छोड़ के आगे अकेला में दौड़ ही नहीं सकते, आपको टीमवर्क बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ, आप अकेला कोई निर्णय कर नहीं सकते। तब आपको कल हम लोग बातचीत कर रहे थे आकाश के साथ, आलसी नहीं लगेगा बच्चा अध्ययन करने में, अच्छा चीजों में आपको बुरा नहीं लगेगा, दुआ करने में आपको नींद नहीं लगेगा, लोगों के लिए सेवा करने में आपको अच्छा लगेगा। अभी तो काहे आप बोलिए ना किसी को रास्ता में जाके पाया ये थोड़ा वहां पहुंचा कितना पैसा मिलेगा, पहला पैसा करना सेवा का भाव नहीं है, लेकिन वही जगह में यदि पहचान होगा या कोई और को पूछा जाता है, ठीक है सेवा है, तो आत्मा का अनुसार चलने का कोशिश करना होगा। पवित्र आत्मा पर मेरा हाथ को भित्र मनुष्य को भरते हुए लेके जाता है। और दूसरी बात, तो जब आप ऐसा करेंगे आप पीछे लव खींचेगा, पीछे लौट के आप कभी नहीं देखेंगे, हालेलुया, पीछे लौट के कभी नहीं देखेंगे और आप आगे भी नहीं भागेंगे, हालेलुया, इधर आप आगे भी भाग के नहीं जाएंगे, पीछे भी लौट के नहीं रहेंगे। और आप में नौ अनुग्रह ईश्वर ने दिया है, कितना अनुग्रह, नौ अनुग्रह, उससे आगे एक बात पढ़िएगा 19 पद 19 और 20 21 पर पढ़िए, 19 20 21 सुने सर पढ़िए, 19 20 21 गलाती का पुस्तक पांचवा अध्याय 19 20 21 गलाती 5 19 20 21 सुनिएगा, शरीर के काम तो प्रकट है, क्या क्या सुनिएगा, पहले हमने क्या देख रहे हैं, आत्मा का काम और शरीर का काम, शरीर का काम प्रकट है, क्या क्या है बोलिए, व्यभिचार गंदे काम, सुनिए गंदे काम कहाँ से आता है, गंदे काम आत्मा से करता है शरीर, लुचपन कहाँ से होता है, व्यभिचार कहाँ से होता है शरीर, व्यभिचार शरीर से होता है, और यहाँ बोलता टोना कहाँ से होता है, टोना टोना समझते हैं, टोना जादू शरीर से, पैर कहाँ से होता है, चीज शरीर, शरीर से आत्मा से कभी नहीं होता, और नीचे पड़े तो क्या होता है, झगड़ा, झगड़ा कहाँ से होता शरीर, ईर्ष्या करता है, इसका बच्चा इतना पढ़ा गवर्नमेंट का जॉब हो गया ये राज्य कहाँ से होता है, इसका बहू इतना संपत्ति लेके आया ना, दहेज इतना लेके आया, इसका तो बेटा बेटा हुआ मेरा नहीं, हाँ इसका बहू बेटी कितना बन गए, ईर्ष्या होना शरीर से होता, क्रोध कहाँ से होता शरीर, विरोध फूल विधर्म, विधर्म का मतलब जानते कोई धर्म धर्म का बात ही नहीं है ना, भीख मांगने वाला आदमी का देखते हैं कब क्या पर भी दुकान में ऐसा करके एक रुपया देने से ऐसा करके दिया है, देखो बेटा शराब दे ले जाता है भिखारी, एक रुपया से कुछ नहीं आता उसको मालूम है क्यों, उसके बदले एक रोटी दीजिए, एक 5 रुपए का बिस्कुट खरीद करके दीजिए, अच्छा से खाएगा ना। यह बोलता ऐसे ऐसे काम करने वाला लोग का विषय में मैंने पहले तुमने कहा, ऐसे काम करने वाला ईश्वर का राज्य में बारिश न होंगे, लेकिन आप मुझे यीशु मसीह मारा हुआ, हम लोग कैसे काम करते थे पहले, एक दूसरा का ख्याल नहीं करते थे, एक दूसरा में खुश होता था, अच्छा आप हम लोग तो ऐसी जगह औरत आदमी पूरा दारू पीना था, ऐसे एरिया में थे ना हम लोग, अभी भी है ना आप और मेरा सहेली लोग, कितने लोग ऐसे होगा, हमको अभी भी याद है, आप लोग को कभी नहीं कहेंगे मच्छर, तब तो यीशु का खून से शुद्ध होता है, वहां बोलता है चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो शुद्ध हो जाता है,
लेकिन हम इस बात में नहीं जाते, नौ अनुग्रह का बारे में थोड़ा सा आपको बताने चाहते हैं। कई वर्ष है अनुग्रह, नौ अनुग्रह लिखिए यहाँ, नौ अनुग्रह लिखिए, थोड़ा सा देखिए, नौ अनुग्रह, नौ अनुग्रह, यहाँ लिखिए एक नंबर, परमेश्वर का वर्ष है, परमेश्वर का वर्ष है, नौ अनुग्रह है परमेश्वर की ओर से। डैश देखिए, याद कीजिएगा, आपको दिमाग में घुसाने के लिए हम ये देख रहे हैं, नौ अनुग्रह है, प्रेम ना प्रेम कोमा आनंद और शांति, और शांति, और दूसरों की ओर से दो नंबर, दूसरों की ओर से दूसरों की ओर से सहनशीलता, वही किसी में उधर लिखते चाहिए नंबर, हाँ सहनशीलता, नम्रता, नम्रता और भलाई, नम्रता और भलाई, तीन नंबर अपनी ओर से, अपनी ओर से विश्वास, धैर्यता और संयम, विश्वास धैर्यता और संयम, धैर्यता और संयम, रोहित भाई को हम धन्यवाद देते हैं मदद करने के लिए। यहाँ सुनिएगा एक बात, आप पढ़िए तो 22:23 कोई भी पढ़िए, 22:23 गलाती का 5:23 22:23 पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कोई बात नहीं, देखिए और आत्मा का फल क्या क्या है, प्रेम आनंद हाँ, और पढ़िए और कृपा फलाए विश्वास नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों बस सुनिए, आत्मा का फल है, हम लोग सीख रहे हैं आत्मा से चलाई चलना और शरीर का चलाई चलना, में शरीर के काम हम लोग छोड़ दिए, और आत्मा में नौ अनुग्रह है, ईश्वर ने आपको दिया परमेश्वर की ओर से आया हुआ प्रेम है, प्रेम हम लोग ऐसे कर नहीं सकते, नहीं तो संसार प्रेम अगाप्य नहीं होता, लड़का लड़की का प्रेम होता है लव लेटर जैसा, पति पत्नी का प्रेम नहीं होता, पति पत्नी का प्रेम और लड़का लड़की का प्रेम अलग होता है, फिल्म का हीरो हीरो नहीं, आपको मालूम है एक बार सिंदूर डाल देगा पत्नी बन जाएगी, फिल्म में कितना बार डाल रहे हैं हीरो नहीं करता, तो इसका मतलब वो प्रेम ये प्रेम नहीं, ये अगाप्य प्रेम, आप और मेरा बच्चे का साथ का प्रेम, आपको मालूम है पापा बच्चे के लिए किडनी निकाल के दे नहीं सकते हम अपना बच्चा को बचाने के, कभी कभी लेकिन ईश्वर ने अपना पुत्र को आप मेरे लिए भेजा, प्रेम इसमें प्रकट किया होता है, वो प्रेम अगाप्य होता है, और ये आनंद देखिए, आनंद आप खरीद नहीं सकते, सुनिएगा मैं, आनंद आप खरीद नहीं सकते, वो आनंद ईश्वर के द्वारा है, प्रेम भी आप खरीद नहीं सकते, वो भी ईश्वर, शांति आपका जीवन में लाना है, शांति आपके जीवन में लाना है या शांति आपको पाना है, तो शांति भी आपको देखिए खरीद नहीं सकेंगे, ये शांति पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, तीर्थ यात्रा मंदिर मठ गिरजा माना है, तो परमेश्वर की ओर से या परमात्मा की ओर से आने वाला चीज ये चीज है, लेकिन हम लोग कमा सकते हैं कोई चीज, एक दूसरा में हम लोग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एक दूसरा में सहनशीलता, हम लोग बोलते हैं भाई ठीक है आज नहीं तो ऊपर में पंडित गुरु पादरी कुछ भी नहीं कर सकता है, इंसान बाइबल प्रश्न बताते हैं नथुनों में सांस हुए इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करना, अरे बच्चा की माँ कब पति को छोड़ के बच्चा छोड़ के भाग जाते बोलता बाइबल, बाइबल ये बोलता है तो, लेकिन परमात्मा नहीं छोड़े, यहाँ बोलता है विश्वास करना और धैर्य था धीरज के साथ में रहना और संयम अपने आप में करना होगा, ईश्वर की ओर से आता ई, हम लोग दूसरों एक दूसरे में उत्साहित कर सकते हैं ऐसा ग्रुप में, और ये अपने आप में आता है।
तो ऐसा है तो शरीर के काम के विपरीत हम आत्मा के नौ फल को देखते हैं। शरीर का काम व्यभिचार है, टूना मुना है, जय झगड़ा है, ईर्ष्या है, लपटपन है और खाने पीने वाला आत्मा है, सारा शरीर का काम है। लेकिन उसका विरोध में नौ अनुग्रह का काम को आप लोग देखते हैं। और यदि हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तब तो स्वतंत्रता के लिए ईश्वर में हम लोग फलवंत बनेंगे, फलवंत बनेंगे स्वतंत्रता के लिए। हम लोग हरेक के जीवन में यदि सुनना है तो बहुत भयंकर भयंकर गवाही होता है। अभी है आप हम लोग ताजु करते हैं, हम धन्यवाद देते रोहित भाई और मंजू बहन के लिए। इनका पापा भी दर होगा है, उनका पापा भी दर होगा, ससुर भी दर होगा है। हाँ, तो ऐसा परिवार में होते हुए हमको एक लड़की लेके गई इन लोगों का परिवार में। लेकिन उस समय का सिचुएशन सारा चीज होते हुए अशांति का जीवन था, और एक के जीवन में होता है और धीरे धीरे क्या परिवर्तन। शुरू में तो यही हम लोग साथ नहीं जाते थे ना संघ में, तो अकेला थी। धीरे धीरे जब हम लोग कौन है मालूम होने के बाद मालूम कर आकाश का जीवन देखे और ई उनको बुला के जाए उसके जीवन को देखे एक दूसरे में हम लोग हर एक का जीवन है हम भी। लेकिन एक बात आपको हम बताएंगे, मसीह यीशु में बने रहेंगे यीशु में फल आकर मेरे जीवन में फल को दिखा जाएगा, फल को देखते हैं हम लोग। हाँ, योना का 15 अध्याय थोड़ा सा उससे आगे एक सवाल तो हम रखेंगे आपके पास में, क्या हम अपने जीवन में फलों का गुच्छा को लोगों को दिखा सकते हैं? आप और मेरे जीवन से अच्छाई का फल लोग देखते हैं, जैसे सभी भाई हम जानते हैं ट्यूशन के बच्चे लोगों के द्वारा उनका फल को आप लोग देख रहे हैं। योना 15 सुसमाचार योना, क्या सवाल मेरा पहले उत्तर दीजिए, क्या आपका जीवन से फलों को लोग देख रहे हैं? आपका धन संपत्ति लोग नहीं चाहिए, आपके घर में शांति, आपके घर में वो भाई बता रहे वैसे में शांति होगा तो लोग देखेंगे, ऐसा देख रहे हैं? नहीं देखा है तो आज से प्रार्थना करना होगा घर का शांति के लिए, ताकि लोग आप और मेरे जीवन फल को देखें। फल का मतलब अमरुद फला हुआ जैसा नहीं है, फल का मतलब वो है कि आप और मेरे जीवन में कल झगड़ा होता था बच्चे लोग अभी शराब देते थे आज वैसा न हो, भाई भाई में झगड़ा होता था वैसा न हो, शांति के साथ यही हो। आइए जो नाना 15 अध्याय पढ़िए 1-2-3। सच्ची दासदाता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली और दासदाता में बने न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकता, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दास रहता हूँ, तुम डालियों हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। बस आमेन। वचन पढ़ाई सुनाए प्रति प्रभु आशीष दे। यहाँ बता यीशु दास रहता है, उनका पिता परमेश्वर किसान है और जो डाली यीशु में बने रहता है वो फल पड़ता है। यहाँ बात हो रही है फल, आत्मा का फल। यदि आत्मा में बढ़ना तो आप उनके आत्मा में चलाई चलना होगा, तब आप और मेरे जीवन फलों को देखेंगे। ठीक, फलों को देखना है तब तक ईश्वर के पास में प्रार्थना करना होगा, नहीं है तब तक अभिषेक प्रार्थना शुरू करें। आप फल को देखेंगे, या धर्म कर्म जात पात का बात नहीं करता है। आप और मेरे जीवन में कैसे उन्नति लाना, आप और मेरे जीवन से कैसे प्रसन्नति हो, आप और मेरे जीवन से कैसे दूसरों को हम लोग आशीष दे सकते हैं, वो बातों को हम लोग जानेंगे। आत्मा के अनुसार हम लोग चलेंगे तो पक्का भी हम लोग शरीर का अभिलाषा को हम लोग दूर करेंगे और आप और मेरा परिवार सुखी रहेगा। आप और मेरा परिवार का चलते आप और मेरा समाज सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा तो राज्य सुखी रहेगा, राज्य सुखी रहेगा देश सुखी रहेगा, यही एक है। और आत्मा के अनुसार हम लोग चलेंगे तो घुसखोरी हर एक प्रकार का नकारात्मक चीज खत्म हो जाएगा और आप और हम शांति का जीवन जी सकते हैं। ईश्वर आशीष दे। हम उत्साहित करने चाहते हैं कि आप और मेरे जीवन से आत्मा का फलों को देखना चाहिए, आशीषों को देखना चाहिए। आशीष का मतलब आप और मेरा जॉब इत्यादि यही नहीं, लेकिन घर में शांति को देखना चाहिए। लोगों को आसपास का लोग बोले कि घर में कितना झगड़ा होता था लेकिन आज अच्छा है ये जाने। आइए हम लोग धन्यवाद देना वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमात्मा परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के अनुसार तुम कार्य करूंगा, जितनी बात हम लोग ने मां बोले प्रभु हरे पात्र को समझने की शक्ति दे, वही मांग दे। धन्यवाद देते सुनने वाला हरे के आशीष कर, आत्मा का फल को हमारा जीवन में
शरीर का फल हमें दे।